हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस PS6 बाइक की और इस बाइक में क्या न्यू फीचर्स हैं वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें इसके फ्रंट लुक में हमें क्या न्यू फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसके फ्रंट में आपको दो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसके हेडलाइट की तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसके इंडिकेटर की बात करें तो उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और अगर हम इसके इंजन पावर की बात करें तो 8.2 PS से 8000 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर डेवलपमेंट करता है, और अगर हम इसके रियर ब्रेक की बात करें तो उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 9 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी मिल जाती है। फ्यूल टंकी के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से हीरो कंपनी की ग्राफिक्स मिल जाती है, जिससे जो कस्टमर है वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और अगर हम इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, और अगर हम इसके इसमें आपको न्यूट्रल लाइट मिल जाती है, चेक इंजन लाइट मिल जाती है, एनालॉग मीटर मिल जाता है, और इसमें आपको कुछ इस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है इसमें आपको, और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको फ्यूल टैंक 9 लीटर का मिल जाता है, और इसके फ्यूल टैंक पर आपको E20 का सिंबल मिल जाता है, यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। बात करें अगर हम इसके रियर सस्पेंशन की तो इसमें आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं, और अगर हम इसके टायर्स की बात करें ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है इसमें आपको, और अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो 2000 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई मिल जाती है, और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो 720 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई मिल जाती है, हाइट की बात करें तो 1052 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट मिल जाती है, और अगर हम इसकी सीट हाइट की बात करें तो 785 मिलीमीटर इसमें आपको सीट हाइट मिल जाती है, और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरनेंस की बात करें तो 165 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरनेंस मिल जाता है, और अगर हम इसकी व्हील बेस की बात करें तो 1236 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, और अगर हम इसके फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें तो वो आपको 130 मिलीमीटर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं इसमें आपको, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं आपको इसमें, और अगर हम इसके रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें तो वो भी आपको 130 मिलीमीटर मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके ट्रांसमिशन सिस्टम की तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिल जाता है, ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चैन ड्राइव है, और अगर हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, इसके हेडलाइट में आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसके इंडिकेटर की बात करें तो उसमें आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसके बॉडी टाइप की बात करें तो ये कम्यूटर बाइक्स हैं, इंजन टाइप की बात करें तो एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है, और अगर हम इसकी स्टार्टिंग टाइप की बात करें तो किक और सेल्फ दोनों आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको इसके वाइजर पर ग्राफिक्स मिल जाती है हीरो स्प्लेंडर की, और इसमें आपको ये लाइट्स मिल जाती है, इसमें आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर की बात करें तो नॉन फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसके इंडिकेटर में आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, और इसमें आपको कुछ इस तरीके से मरगार्ड मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी आपको इसमें आगे ड्रम ब्रेक मिल जाती है, और अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इसमें लीवर मिल जाते हैं, इसमें आपको 4 गियर्स मिल जाते हैं, एक साइड स्टैंड मिल जाता है, ये साइड स्टैंड आपको सेंसर मिल जाता है, ये डबल स्टैंड मिल जाता है इसमें आपको, ये कुछ इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, और ये हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं, ये टायर्स मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसकी बैकलाइट की तो इसकी बैकलाइट में आपको हेलोजन ग्लास मिल जाते हैं, इंडिकेटर की बात करें तो उसमें भी आपको हेलोजन ग्लास मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीके से बैक लुक कुछ इस तरीके से आपको दिखता है इसमें, कुछ इस तरीके से इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, इसमें लंबी सीट मिल जाती है आपको, और अगर हम इसके मीटर की बात करें तो एनालॉग मीटर मिल जाता है इसमें आपको, और ये कुछ इस तरीके से इसमें आपको स्टार्टर बटन मिल जाता है, और ये आपको इंडिकेटर बटन मिल जाता है, ऑरेंज स्विच मिल जाता है इसमें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है।